गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। और इसमें रूल्स बताऊंगा आपको कि कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके रूल्स हम पढ़ेंगे। पहला रूल है इसमें हाफ बाय प्रिंसिपल। देखो हाफ बाय प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो एनर्जी के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उनको पहले फिल किया जाएगा और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी उनको बाद में फिल किया जाएगा। तो क्या कहता है बाय प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होगी उनको पहले फिल करेंगे और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी उनको बाद में फिल करेंगे। दैट इज द ऑर्बिटल्स हैविंग लो एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन the orbitals having high energy are filled। जिन orbitals की energy कम होगी उनको पहले भरा जाएगा, जिसकी energy ज़्यादा होगी उसको बाद में भरा जाएगा। अब देखो कैसे पता लगेगा किन orbitals की energy कम है किसकी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n plus l rule देखेंगे। n प्लस एल रूल में आप देखोगे कि n प्लस एल को आप ऐड कर दोगे, n प्लस एल में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो n प्लस एल रूल में n और l को दोनों को जोड़ोगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम। और n क्या है, प्रिंसिपल सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है, इसमें l डिनोट्स सब सेल, हम क्वांटम नंबर में इसको पढ़ गए। तो शुरू करते हैं कि कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एन प्लस एल रूल। तो मैंने ये कहा है कि आप बाय प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, एन प्लस एल को, एन प्लस एल को आप ऐड करोगे और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, कई बार n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाएगी, यानी कि इफ n प्लस एल फॉर टू ऑर्बिटल्स आर सेम, अगर एक जैसी आ जाएगी देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n मोर इज द एनर्जी। कई बार n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। कुछ एग्जांपल से देखेंगे हम। जैसे मैं अगर कहूँ कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में s सब सेल है, तो इसमें n और l को आप ऐड करके देखना, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और l की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो n प्लस एल अगर आप इसमें ऐड करके देखोगे तो वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 0, 1 आई वैल्यू। तो ये सबसे कम एनर्जी रहेगी 1s ऑर्बिटल की। उसके आप देखोगे कि 2s ऑर्बिटल है, 2s के लिए n की वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, और s के लिए l की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 2, यानी कि जो 2s है उसकी एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल किए जाएंगे, उसके बाद 2s में फिल किए जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे 2p है, n की वैल्यू 2 है और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आप देखोगे कि 2 प्लस 1 3। देखो जो तीन वैल्यू है ज़्यादा है किससे, 2 से, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो 2p की एनर्जी है वो 2s से ज़्यादा होगी, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका n प्लस l की वैल्यू 3 आई है, इसकी 2 आई है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा ऑर्बिटल है जैसे 3s ऑर्बिटल, यहाँ आप देखोगे कि n की वैल्यू 3 है, s के लिए l की वैल्यू 0, तो 3 प्लस 0 3,
अब आप देखोगे कि इन दोनों के n प्लस एल सेम आ गया, दोनों का n प्लस एल की वैल्यू क्या है, ये सेम, तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ लिखा है कि जिसमें n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए, तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं कहूँगा कि इसका n 3 है, इसका n 2 है, तो मैं ये कहूँगा कि 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाएगा फिर 3s में जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल में इसका n 3 है, p के लिए l की वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, यानी कि 4 3 से बड़ा है तो 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा होगी, 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 3s से ज़्यादा होगी। देखो जैसे 3d ऑर्बिटल भी आप पढ़ के आए हो, sp d, 3d में ऑर्बिटल में हम एनर्जी ना एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी, यानी कि 3d को बाद में भरा जाएगा, सबसे पहले हम 4s भरेंगे इसमें, 4s, n की वैल्यू 4 है, s के लिए l की वैल्यू 0 है, 4 प्लस 0 4, दोनों की वैल्यू सेम है, बट इसका n 4 है, इसका n 3 है, तो इसलिए 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, 3p से। देखो अब मैं 3d ऑर्बिटल्स को फिल करूँगा, 3d ऑर्बिटल्स को क्यों फिल किया जाएगा आप देख लोगे, इसमें n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो 3 प्लस 2 5, देखो 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, 3d की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज़्यादा है, क्योंकि इसके n प्लस l 5 आया है, इसका n प्लस l 4 आया है, तो इसलिए 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, पहले 4s में भरे जाएंगे। इसको आगे फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। तो n प्लस l रूल आपको देखना है, जिसमें n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम हो जाएगी उसमें एनर्जी कम हो जाएगी। और आपका आप बाय प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी आपको पहले वही फिल करने हैं। देखो एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको, देखना आपको n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट सेल में s सब सेल है, सेकंड सेल में भी s सब सेल है, थर्ड सेल s सब सेल, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में सातवें पीरियड तक जाते हो, 5s 6s एंड 7s ऑर्बिटल्स, जैसे p ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं 2p से, ऐसे ही 3p ऑर्बिटल्स, 4p ऑर्बिटल्स, 5p ऑर्बिटल्स, 6p ऑर्बिटल्स एंड 7p ऑर्बिटल्स, फिर d ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं 3 से, 3d 4d 5d 6d, f ऑर्बिटल फोर्थ पीरियड से 4th और ये 5f। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये भी ऑर्बिटल्स की फिलिंग का एक डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। एक बार आप n प्लस l रूल तो है, देखो वो तो आपको यूज़ करना ही करना है, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल किए जाते हैं। देखो मैंने कहा है कि 1s की एनर्जी ना कम होगी, 2s की ज़्यादा होगी, तो इसको एरो को मैं इसके टेल के साथ जोड़ देता हूँ, ऐसे ही आप सभी के लिए करोगे। तो इस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम इसमें बना सकते हैं, या एनर्जी बता सकते हैं कि इन ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी। तो आप इसको एक बार देखो कि 1s की एनर्जी कम है और 2s की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 1s से, 2s के बाद देखो एनर्जी ज़्यादा किसकी है, 2p की। n प्लस l रूल भी आप यहाँ लगा सकते हो इसमें, फिर 3s है, फिर आप देखोगे 3s के बाद ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3p की, 3p के बाद आप देखो 4s, 4s के बाद देखेंगे 3d, फिर है 4p, 4p के बाद अंदर एनर्जी देखेंगे इसमें 5s, 5s के बाद एनर्जी आप देखो ये आ गया आपके पास 5s के बाद 4d, 4d के बाद है 5p, फिर आ गया आपका 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद आ गया आपका 5d, 5d के बाद 6p, फिर है 7s,
फिर है 5f, 6d और 7b। तो इसमें आप ये रूल जो बताया आपको अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल है, सभी के लिए आप n और l की वैल्यू निकाल के देखेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑफ बाय प्रिंसिपल n प्लस l रूल। सेकंड रूल है फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज ऑफ बाय प्रिंसिपल के बाद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो ये रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में ना दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। तो मैं लिखूंगा एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होगी। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये एक ऑर्बिटल है, तो इसमें देखो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की स्पिन मैंने सेम साइड दिखा दी, तो ये तरीका गलत है। ऐसे भी हम नहीं दिखा सकते कि दोनों की स्पिन यहाँ भी मैंने सेम साइड है, ये भी मेथड गलत है। तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक की स्पिन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, तो दूसरे की कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो सेम स्पिन अगर है ना, तो इनकी जो फील्ड रहेगी वो अलाइन हो, मतलब वो जो फील्ड रहेगी वो आपस में रिपल्सन करेगी। इलेक्ट्रॉन्स की जो फील्ड है सेम, अगर पैरेलल डायरेक्शन में हम फील कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए ना तो क्लॉकवाइज होगी दोनों स्पिन, ना एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होगी दूसरी कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज है। तीसरा रूल हम देखेंगे इसमें, फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो ये रूल क्या कहता है कि जो पी डी और एफ ऑर्बिटल हैं, पी डी और एफ जो ऑर्बिटल हैं, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, डी सबसेल में 5 और एफ सबसेल में 7। एस ऑर्बिटल की बात नहीं है क्योंकि एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। तो जो पी डी और एफ ऑर्बिटल हैं, जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, ऐसे ही डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, ऐसे ही एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल हैं। ये आपका पी सबसेल है, डी सबसेल है और एफ सबसेल है। तो क्या कहा गया है कि जो ये पी सबसेल है आपका, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल हैं। तो जो ये तीन तरह के ऑर्बिटल हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल किए जाएंगे तो पी डी और एफ ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो कैसे आप डिफाइन करोगे? इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ये कौन सा रूल है? हंट्स रूल है। एग्जांपल से मैं आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे एग्जांपल अगर मैंने कहा कि सपोज नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। देखो फर्स्ट सेल एस सब सेल, फर्स्ट सेल का जो एस सब सेल है, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपका एस ऑर्बिटल है। एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं टू सेकंड सेल में, जो एस सब सेल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक की स्पिन क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकंड सेल में पी सब सेल भी है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, 3 ही हो गए, 7 इसका एटॉमिक नंबर। तो जो पी ऑर्बिटल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन जो 3 इसमें फिल करने हैं,
ये आपको ये करना है कि तीनों जो ऑर्बिटल हैं इसमें 1, 2, 3 तीन ऑर्बिटल हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये तरीका सही है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। और अगर पी ऑर्बिटल की बात है, पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखाओगे कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने स्पिन क्लॉकवाइज दिखा दी और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया और तीसरा ऐसे क्लॉकवाइज, ये तरीका गलत है। क्योंकि आप देखोगे इसमें जो स्पिन है ये क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ, इसमें भी प्लस हाफ है और इसमें भी क्या है, प्लस हाफ। तो इसकी जो स्पिन होगी ना, स्पिन इसकी टोटल कितनी है, 1.5 टोटल स्पिन है। इसकी स्पिन देखोगे प्लस हाफ, ये माइनस हाफ और ये प्लस हाफ, यानी कि टोटल स्पिन इसकी कितनी है, 1/2। अब अगर तीसरा तरीका ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर रहे हो ऐसे कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया, दूसरे में आपने इसी में पेयरिंग स्टार्ट कर दी, एक ही ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया, यहाँ तो पहले मैंने तीनों एक एक फिल किए, पेयरिंग बाद में शुरू होती है, जैसे पेयर कर दिया यही, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी स्पिन देखना, ये प्लस हाफ है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन प्लस हाफ है और इसके लिए माइनस हाफ है, तो इसके लिए प्लस हाफ, स्पिन कितनी आई, 1.5। तो ये भी तरीका गलत है। तरीका ये सही है आपका, यानी कि जो पी के तीन ऑर्बिटल हैं इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो तीन अलग अलग ये ऑर्बिटल दिखा रखे हैं इनमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी पैरेलल स्पिन होगी। क्योंकि इसमें लिखा है कि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसकी, स्पिन की। तो देखो यहाँ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, 1.5, यहाँ मल्टीप्लिसिटी स्पिन की हाफ आई है, यहाँ भी हाफ आई है। तो स्पिन की मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पी डी और एफ ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। क्योंकि अगर पहले ही आप पेयरिंग शुरू कर दोगे तो स्पिन जो होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीन रूल आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।